हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 13वां वीडियो है। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। झीलों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें या तो राज्य या उनका लोकेशन पूछा गया है कि कौन सा झील किस क्षेत्र में स्थित है, या कोई विशेष बात जो उसको ज़्यादा फेमस बनाती है, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि झील होते क्या हैं, कौन कौन से प्रकार के झील होते हैं और कौन कौन से राज्य में कौन से झील स्थित हैं। सबसे पहले झील क्या होते हैं, झील के बारे में अगर एक जनरल डेफिनेशन या एक सामान्य चर्चा के दृष्टिकोण से देखें तो ये जल के स्थिर क्षेत्र होते हैं। कोई भी झील जल का एक स्थिर भाग होता है जहाँ चारों तरफ स्थलखंड होते हैं जो कि चारों तरफ भूभाग से घिरा होता है। एक तालाब जैसा कह सकते हैं, पर वो बहुत बड़ा तालाब है कह लीजिए। ठीक है, तो कोई भी झील जल का एक स्थिर भाग होता है जो कि चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा होता है, भूभाग से घिरा होता है। भारत में कई प्रकार के प्राकृतिक झील भी हैं और मानव निर्मित झील भी हैं। मानव निर्मित कहने का मतलब है कि जब कोई नदी पर कोई डैम बनाया जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा एरिया पानी से डूबा रहता है। उस स्थिर जलखंड को भी, उस स्थिर जल भाग को भी झील कह दिया जाता है। ठीक, तो प्राकृतिक रूप से जो निर्मित झील हैं उनमें कौन कौन से प्रकार के झील हैं, तो सबसे पहले झीलों की कैटेगरी में हमने दो कैटेगरी देखा, एक तो है प्राकृतिक झील और दूसरा है मानव निर्मित झील। ठीक है, एक है प्राकृतिक और एक है मानव निर्मित। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राकृतिक कहने का मतलब तो जो प्रकृति में या भारत में शुरुआत से है, और मानव निर्मित कहने का मतलब है कि जिनको अलग अलग समय पे किसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की वजह से इनको डेवलप किया गया है। प्राकृतिक झीलों में कई प्रकार की संरचनाएं हमको देखने को मिलती है। इसमें एक प्रकार की झील जिसका संरचना यहां पे मैंने ड्रॉ किया है, इसको कहते हैं गोखुर झील। गोखुर झील, गाय के खुर के समान जो आकृति निर्मित हो जाती है उसको कहा जाता है गोखुर झील। दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील, विवर्तनिक या टेक्टोनिक। अगला है लैगून, लैगून लेक। प्राकृतिक झीलों का एक और प्रकार है लैगून लेक। अगला एक प्रकार हमको देखने को मिलता है हिमानी, हिमानी झील। जो झीलें ग्लेशियर्स की वजह से बनती हैं, खास करके हिमालय के आसपास जो निर्मित होती हैं, इनको कहा जाता है हिमालयी झील। एक और झील है वायु द्वारा निर्मित, वायु द्वारा निर्मित। साथ ही कुछ झीलें हैं जो कि ज्वालामुखी के आसपास बन जाती हैं। ठीक है, इनको कहेंगे हम ज्वालामुखी झीलें, ज्वालामुखी झीलें। और कुछ झीलें नदियों के डेल्टा के आसपास बनती हैं, इनको कहा जाता है डेल्टाई लेक्स। ठीक, तो प्राकृतिक रूप से इतने प्रकार के झील देखने को मिलते हैं। कोई और संरचना हो सकता है छूट गया हो, पर मुख्य रूप से यही कुछ संरचनाएं हैं झीलों के बारे में जो हमको पढ़नी है। यहां से स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, हाँ सिर्फ इतना पूछ लेता है कि कौन सा झील किस स्ट्रक्चर का झील है। जैसे कि एक फेमस झील का नाम है वुलर झील, वुलर झील जो है वो गोखुर स्ट्रक्चर का झील है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पर फिलहाल आप इन स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज गोखुर झील क्या होता है, हम संरचनाओं की चर्चा कर रहे हैं और प्राकृतिक संरचनाओं में सबसे पहला है गोखुर झील। गोखुर झील कब बनता है और किस प्रकार से इसका आकृति होता है? कोई भी जो नदी है जब पहाड़ से उतरती है तो उसकी धारा बहुत तीव्र होती है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण की वजह से बहुत ज़्यादा उसको वेग प्राप्त होता है। ठीक है, पहला है पर्वत का ढाल और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, दोनों के मिलने से इसका जो फोर्स है, ठीक है, इसका जो बहाव का तीव्रता है वो ज़्यादा रहता है। लेकिन जब यही नदी
मैदानी या समतल क्षेत्र में पहुंचती है तो इसका तीव्रता कम होने लगता है, ठीक है, क्योंकि तब इसको एक ढाल का अनुसरण करना है और वो ढाल बहुत कम होती है तो इसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। कोई भी नदी अपने साथ खूब सारा अवसाद लेकर के चलती है। पर्वत से उतरते समय उन अवसादों को काफ़ी तेज़ी से कैरी करती है, क्यों? क्योंकि पानी का बहाव तेज है। लेकिन जब यही नदी मैदानी क्षेत्रों में उतरती है तब ये अपने साथ लाए गए उन अवसादों को अपने ही मार्ग में बिछाने लगती है। कोई भी नदी अपने ही धरातल के नीचे, ठीक है, अपने ही भूभाग में उन अवसादों को निक्षेपित करने लगती है। एक लंबे समय के बाद कोई नदी हो सकता है कि अपने मार्ग में इतना सारा अवसाद निक्षेपित कर दे कि उसका मार्ग ही अवरुद्ध हो जाए। ऐसी कंडीशन में जब अगली बार वो नदी बहना शुरू करेगी तो वो क्या करेगी, उन अवसादों के आसपास से कोई दूसरा मार्ग खोज करके बहना शुरू करती है, ठीक। और सामान्यतः भी कोई भी नदी का जो ढाल होता है या जो तट होते हैं उनके आसपास भी अवसादों का निक्षेपण होता रहता है, ठीक। ऐसी कंडीशन में भी उनका बहाव जो है वो हर बार बदलता रहता है। जब जब वो नदी जो है वो अपने किनारों पर अवसाद निक्षेपित करती हैं ऐसी कंडीशन में उन नदियों का बहाव जो है वो उन नदियों की दिशा थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक इमेज ड्रॉ करने की कोशिश की है। शुरुआत में हो सकता है कि कोई नदी इस प्रकार से बह रही हो, लेकिन क्योंकि ये अपने तटवर्ती क्षेत्रों में अवसाद निक्षेपित कर रही हैं तो कुछ समय बाद वो इस प्रकार से, कुछ समय कहने का मतलब है कुछ हजार सालों के बाद वो इस प्रकार से बहना शुरू करे, फिर कुछ हजार सालों के बाद उसके तट में इतने सारे अवसाद जमा हो गए हैं कि वो इस प्रकार बहना शुरू करे, मतलब इनके जो मोड़ है और तीक्ष्ण होते चले गए हैं। एक समय बाद हो सकता है ऐसा आए कि इनका कोई एक जो हिस्सा है, ठीक है, कोई एक जो लूप है वो यहाँ पे टूट करके अलग हो जाए और ये अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने लगे, ठीक। इस प्रकार जो नदी की धारा है वो मान लो यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ पे आगे इस लूप में न घुस करके सीधे यहीं से इसने क्या किया, एक नया मार्ग पकड़ लिया। अब यहाँ पे जो नया लूप, जो लूप था वो इस पूरी धारा से अलग हो गया है, इसको पानी की सप्लाई तो हो रही है लेकिन जल का बहाव उस दिशा में नहीं है। इस प्रकार जो निर्मित स्ट्रक्चर होता है इसी को हम कहते हैं गोखुर झील। ये जो झील होता है इसको हम कहते हैं गोखुर झील, गाय के खुर के समान इसका आकृति होता है, इसको हम कहते हैं गोखुर झील, ठीक। यहाँ पे पानी भरा होगा इसको कहा जाता है गोखुर झील, ठीक। तो गोखुर झील क्यों निर्मित होता है? कोई नदी अगर अपना मार्ग लंबे समय के दौरान खूब बदल चुकी है ऐसी कंडीशन में गोखुर झील निर्मित होता है। दूसरा है विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील या टेक्टोनिक झील ऐसे क्षेत्रों में निर्मित होते हैं जहाँ पे भूकंप की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक। तो इसका निर्माण धरातल के उठने और धंसने की क्रिया में होता है, ठीक है। अगला है लैगून लेक। लैगून लेक क्या होते हैं? जब समुद्र का जल अपने समुद्री तट को छोड़ करके या उसका कटाव करके किसी भूभाग के अंदर की तरफ घुसता है और लंबे समय के बाद उस भूभाग के मार्ग में खुद अवरुद्ध हो जाता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे, वैसे इस मैप में आपको जो लोकेशंस दिखेंगे वो बिल्कुल सपाट प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जो बॉर्डर है वो बिल्कुल सपाट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ जो एरिया है अगर आप गूगल मैप्स में इसको जूम इन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। मतलब जल यहाँ पे एंटर तो कर सकते हैं लेकिन वहां से जब बाहर निकलने की बारी आती है तो वहां से बाहर नहीं निकल पाते हैं, या कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी हमको समुद्र तटों पर दिखाई देते हैं, जैसे कि उड़ीसा में हो गया, केरल में हो गया, इस प्रकार के कई स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे समुद्र का पानी एंटर कर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको कहा जाता है लैगून लेक, ठीक। तो लैगून लेक समझ में आ गया, समुद्र तटों में जब तटों में समुद्र का पानी भूभाग के अंदर की तरफ तो चले जाते हैं लेकिन पूरे के पूरे जल बाहर नहीं निकल पाते हैं, इस प्रकार जो जल जो झील निर्मित होता है इसको कहा जाता है लैगून लेक। बाहर क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि इसका जो मुहाना होता है वो काफी संकरा होता है, तो जितना जल अंदर स्टोर है इसमें बार बार पानी की सप्लाई होती रहती है। किस वजह से? जो ज्वार भाटा है उसकी वजह से, ज्वार भाटा की वजह से इसमें लगातार पानी की सप्लाई होती रहती है लेकिन पूरा का पूरा पानी कभी खाली नहीं हो पाता है। इस वजह से एक झील का निर्माण होता है जिसको कि हम लैगून लेक कहते हैं।
ठीक, इसके बाद में अगला है लैगून लेक, के बाद में नेक्स्ट है हिमानी। हिमानी क्या है? कोई भी जो हिमनद है, हिमनद कहाँ पे है, हिमनद या ग्लेशियर्स कहाँ पे है, हिमालय के आसपास में है या हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में है, तो जो हिमानी है उनसे लगातार पानी जो है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से या फिर वहाँ पे एक सामान्य से सामान्यतः कुछ ना जो थोड़ा बहुत पानी है वो लगातार बर्फ के पिघलने से लगातार वहाँ से रिसता रहता है। ठीक है, तो जो भी पानी वहां से हिमनद से या ग्लेशियर से रिस करके निकल रहा है वो कहीं ना कहीं जा करके एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है। ठीक, अगर ढाल बिल्कुल संतुलित है तब तो वो आगे बढ़ते हुए नदी का एक धारा बना लेता है। अगर कोई बैरियर है उनके मार्ग में, उस नदी के मार्ग में या उस धारा के मार्ग में कोई भी रुकावट है तो वो क्या करेगा, वहीं पर इकट्ठा होने लगेगा, वहीं पर वो जल इकट्ठा होने लगेगा। और इस प्रकार से जो झील निर्मित होता है इसको कहा जाता है हिमानी निर्मित झील या ग्लेशियर झील। ठीक, अगला है वायु द्वारा निर्मित झील। वायु भी आपको पता है कि भू सतह का कटाव करते रहती है और लंबे समय से, मान लो कोई जो जमीन है, जो धरातल है, उसका जो ऊपरी लेयर है वो काफी सॉफ्ट है, तो जो यहाँ पे पवन चल रही है, जो हवा चल रही है, वो क्या करेगी, लेयर बाय लेयर इनके जो सतह है उनका कटाव करती चली जाती है। ठीक है, ये कटाव तब तक होता रहता है जब तक कि इसको कोई सॉलिड बेस न मिल जाए। ठीक, तो इस प्रकार से वहां पर एक खड्डा नुमा आकृति निर्मित हो जाता है जहाँ पे जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे पानी भरना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार की झीलों को कहा जाता है वायु द्वारा निर्मित झील। जनरली ये जो मरुस्थली क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इस प्रकार के झील ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि भूमि का सतह अगर काफ़ी मुलायम है या वहाँ पे संरचना, उस मिट्टी की संरचना बहुत लूज है, ठीक है, टाइटली एक वहाँ के जो अणु है वो एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इनका वायु द्वारा ये क्या होते चले जाएंगी, उड़ते चले जाएंगी, वायु द्वारा इनका कटाव होता चला जाएगा और इस प्रकार जो झील निर्मित होगा उसको कहते हैं वायु द्वारा निर्मित झील। अगला है ज्वालामुखी झील। नाम से समझ में आ रहा है, ज्वालामुखी के उद्गार के बाद में यहाँ पे मान लो इसका जो ऊपरी कोण है वो भूमि में नीचे की तरफ धस जाता है, इस प्रकार से एक निर्मित हो जाएगा। ऊपर का जो एरिया था किसी ज्वालामुखी का वो क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से पूरा का पूरा नीचे धस गया। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे बारिश का पानी जो है वो भरने लगता है। ऐसे झीलों को कहा जाता है ज्वालामुखी झील, जो कि ज्वालामुखी के मुहाने पर, ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित हुआ हो इसको कहा जाता है ज्वालामुखी झील। अगला है डेल्टाई झील। नदी पढ़ते समय मैंने बताया था कि नदी क्या करते हैं, जब इनको मैदानी क्षेत्रों में बहना हो तो ये अपना सेडिमेंट अपने ही मार्ग में अवरुद्ध करने लगते हैं, अपने ही मार्ग में अपना जो अवसाद है उसको बिछाने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में इनका मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से ये कई धाराओं में बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, और इस प्रकार एक ट्रेंगुलर शेप का क्षेत्र निर्मित होता है जिसको कि हम डेल्टा कहते हैं। इसी डेल्टा के आसपास जो जमा पानी होता है इसको कहा जाता है डेल्टाई झील। ठीक, इस डेल्टा के बीच में जो पानी जमा हो जाता है इसको कहा जाता है डेल्टाई झील। ठीक, अब अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो गोखुर झील, गोखुर झील या इसको ऑक्स बो लेक भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको ऑक्स बो लेक भी कहा जाता है। गोखुर झील का एक एग्जाम्पल है आपका वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसी प्रकार लैगून लेक के भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि उड़ीसा में जो चिल्का लेक है वो लैगून लेक का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार वायु द्वारा निर्मित अगर कोई झील है तो उसके एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो राजस्थान में एक सांभर झील करके है, सांभर झील इसी वायु द्वारा निर्मित झील का एग्जाम्पल है। डेल्टाई झीलों का एग्जाम्पल देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी के बीच में जो जल भराव वाला क्षेत्र है जिसको कि कोलेरू लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक, और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील की बात करें तो महाराष्ट्र में एक झील है, इसका नाम है लोनार झील। ठीक, तो ये सभी अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर हैं और अलग अलग राज्यों में विद्यमान हैं। अब हम सीधे राज्य और उनमें स्थित प्रमुख झीलों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर में। पहले जम्मू कश्मीर जब एक राज्य था तो एक राज्य के रूप में इसमें जितने भी
झील थे उसको हम एक जगह पे इसको नोट कर लेते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब दो यूनियन टेरिटरी के रूप में जाने जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग अलग हमको देखना पड़ेगा कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक महत्वपूर्ण झील है जिसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसका नाम है वुलर झील। वुलर झील यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। ताजे पानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे पानी जो है वो मीठा है, नमकीन नहीं है, इसमें सॉल्ट की मात्रा कम है या इतना कम है कि इसको आसानी से कंज्यूम किया जा सकता है। जो सॉल्ट वाटर होता है वो कंज्यूमेबल नहीं रहता है, उसको पिया नहीं जा सकता है। ठीक, तो वुलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, और साथ ही यह गोखुर झील का एक एग्जाम्पल है। यह ऑक्सबो लेक टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब जो वुलर झील है वो इस प्रकार से बहते हुए और धीरे धीरे हजारों लाखों वर्षों में इसने इस प्रकार की संरचना निर्मित की है जिसको कि गोखुर कहा जाता है। ठीक, तो गोखुर झील कहाँ पे है, सॉरी वुलर झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, और इसकी संरचना किस प्रकार की है, यह गोखुर स्ट्रक्चर की झील है। जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट है डल झील। अब हम सिर्फ झीलों के नाम देखेंगे और क्षेत्र का नाम देखेंगे, विशेष बात क्या थी वुलर झील के बारे में, यह ताजे पानी की झील है और इसका स्ट्रक्चर गोखुर टाइप का है, बाकी सभी के बारे में केवल नाम याद रखने की आवश्यकता है। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कौन कौन सी झील हैं, डल झील, गाडसार झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, नागिन झील, गंगाबल और मानसबल झील। इन सभी झीलों के बारे में सिर्फ आप याद रखेंगे कि यह जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। वैसे ज़्यादातर वुलर झील के बारे में पूछा जाता है क्योंकि यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में और गोखुर स्ट्रक्चर की झील है। नेक्स्ट है लद्दाख में। लद्दाख में एक झील है, इसका नाम है पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो झील। यह है पेंगोंग सो, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है, पेंगोंग सो झील। यह भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, इसका कुछ हिस्सा तिब्बत की तरफ है और कुछ हिस्सा मतलब लद्दाख के अंदर में है। ठीक है, तो ये जो है भारत और चीन के बीच विवादित रहता है। तो पेंगोंग सो लेक कहाँ पे है, लद्दाख क्षेत्र में। इसके अलावा सो मोरिरी, सो मोरिरी ये लेक भी कहाँ पे है, लद्दाख क्षेत्र में। नाम बस याद रखना है क्षेत्र के साथ में। जम्मू कश्मीर से नीचे उतरेंगे, यहाँ पे हमको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलों में है भृगु झील, मच्छियाल झील, रेणुका झील, सूरज ताल और चंद्रताल झील। इसके अलावा एक झील है, इसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है, सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर जो भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पे है, सतलुज नदी पर। कौन कौन से राज्यों में है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो डैम बना है उसको कहा जाता है भाखड़ा डैम, और पंजाब में है उसको कहा जाता है नांगल डैम। तो भाखड़ा डैम के ऊपर जो झील निर्मित हो गया है उसको कहा जाता है गोविंद सागर झील। ठीक, और कहा जाता है कि यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक, अब ये मानव निर्मित झील वाले पॉइंट को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, मैं बता देता हूँ क्यों। आप इसको किसी किताब में सर्च करेंगे या गूगल सर्च करेंगे तो भी आपको हो सकता है दो आंसर्स दिखाई दें। एक तो मिलता है कि गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, और कहीं कहीं पे गोविंद वल्लभ पंत झील को भी भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील माना जाता है। तो इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स मुझे अभी तक ऐसा प्राप्त नहीं हो पाया है जिसमें कोई एक आंसर लिया गया हो और वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया हो कि कोई झील क्यों सबसे भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो इन दोनों को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है। हालांकि एग्जाम में अगर आप ऑप्शंस देते हैं तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके क्वेश्चन में होंगे वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन दिया गया हो तो गोविंद सागर झील के साथ आप जा सकते हैं। ठीक, हालांकि इसको लेकर के डिस्प्यूट रहता है और संभवतः ये क्वेश्चन एलिमिनेट भी हो जाता है। ठीक, तो गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, सतलुज नदी पर है, कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीधे बस नाम याद रखते चलिएगा, नैनीताल, बोडीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल,
देवताल, खुरपाताल, राकसताल और मालाताल, ये सभी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उसके बाद में है हरियाणा, हरियाणा में सॉरी यहाँ पे है आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ में एक झील है इसका नाम है सुखना झील। असल में ये चंडीगढ़ हरियाणा क्षेत्र में आता है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र पहले पंजाब हुआ करता था, ठीक, बाद में पंजाब और हरियाणा अलग हो गए। पहले तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ही एक ही पंजाब के नाम से जाना जाता था, बाद में हिमाचल प्रदेश अलग हुआ, फिर पंजाब और हरियाणा में से हरियाणा अलग हो गया, और हरियाणा और पंजाब के बीच में जो छोटा सा क्षेत्र हमको दिखाई दे रहा है ये है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है, ठीक, यहीं पे स्थित है सुखना झील। अगला है राजस्थान, राजस्थान में अनासागर, कुचामन झील, पिछोला झील, राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, पुष्कर झील, लूनकर सर और डिडवाना झील तथा ढेबर झील। इनको बस 5-7 बार आप रिवाइज करेंगे तो कम से कम ये याद रह जाएगा कि कौन सा झील किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, कौन सा झील किस राज्य से संबंधित है, बस इतना याद रखना, कुछ लोकेशंस के बारे में पर्याप्त है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण नहीं है उनके बारे में सिर्फ क्षेत्र का नाम याद रखना पर्याप्त है। कुछ महत्वपूर्ण है जैसे कि सांभर झील, सांभर झील के बारे में याद रखना है कि यह भारत की सबसे बड़े खाने पाने की झील है, लेकिन कहाँ पे? इनलैंड, मतलब भारत के मुख्य भूमि के अंदर यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी? सांभर झील, ठीक। उसके बाद में है कुछ अन्य झीलें जो कि राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, यह दोनों चंबल नदी पर है और चंबल नदी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। चंबल नदी पे 3 मुख्य झीलें हैं जिसमें से 2 की चर्चा मैं कर चुका हूँ, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। एक झील है इसका नाम है गांधी सागर झील जो कि मध्य प्रदेश में ही है। चंबल नदी असल में यहीं मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के आसपास से उद्गम होती है और मध्य प्रदेश होते हुए पहले तो यह राजस्थान में चली जाती है, राजस्थान के बाद यह यूपी में जा करके यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक। तो कौन कौन से झीलों की बात की हमने चंबल नदी पर? गांधी सागर झील, जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील। तो जवाहर और राणा प्रताप ये दोनों ही राजस्थान में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, ठीक। इसके बाद में है और दक्षिण की तरफ चलें तो छत्तीसगढ़ में एक नदी है इसका नाम है रिहंद झील। और रिहंद नदी यूपी में सोनपुर के पास यहाँ पे एक झील बनाती है, असल में यहाँ पे एक डैम बनाया गया है, उसी डैम के पीछे जो पानी इकट्ठा हो गया है इसको कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत झील, ठीक। यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा के बीच में एक झील निर्मित हो गया है, यूपी में एक डैम बनाया गया है रिहंद नदी पर, उसी वजह से छत्तीसगढ़ और यूपी की सीमा पर एक झील निर्मित हो गया है, इसको कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत झील, ठीक। नेक्स्ट है सिक्किम में एक झील है इसका नाम है सोंगमा झील, बस नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है मणिपुर में एक झील है इसका नाम है लोकटक झील, ये लोकटक झील ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में इसके बारे में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक। ये जो लोकटक झील है यह नॉर्थ ईस्ट में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, और यहीं पे एक राष्ट्रीय पार्क भी है इसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सतह है वो दलदली सतह है और दलदली सतह होने की वजह से इस पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो ऐसा महसूस होता है कि वह जो है किसी हिलती डुलती सतह पर खड़ा हुआ है, ठीक। इस पूरे जमीन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, ये जो जमीन की ऊपरी परत है वो तो सूख गई है लेकिन इसके नीचे दलदल भरा हुआ है, तो जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो ये बाउंस करता हुआ महसूस होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है तैरता हुआ पार्क, ठीक। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का उद्यान है? तैरता हुआ पार्क कहा जाता है इसको, क्यों? क्योंकि इसके जो भूमि की सतह है वो दलदली है और ऊपरी सतह जो है वो कठोर है, कठोर ना कहें कि मुलायम है, ठीक। इसको
ये जो द्वीप है इस लोकटक झील के आसपास जो द्वीप बन गए हैं जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, इनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में फुमड़ी कहा जाता है। ये नाम पूछा जा सकता है, शब्द पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप बन गए हैं इस प्रकार से तैरते हुए, इसको कहा जाता है फुमड़ी, फुमड़ी कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा यहीं पे एक जीव बड़ा फेमस है, इसको कहा जाता है संगाई हिरण, संगाई हिरण, और इनको डांसिंग डियर्स भी कहा जाता है, डांसिंग डियर। अब डांसिंग डियर कहने का रीज़न क्या है भाई, ये लोग भी जब उस दलदली सतह पर खड़े होते हैं तो ये खुद को बैलेंस करने के लिए दाएं बाएं डोलते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो है वो डांस कर रहे हैं, इसी वजह से इनका नाम पड़ गया है डांसिंग डियर। वास्तव में इनको संगई हिरण कहा जाता है। ठीक, कहाँ मिलते हैं ये सब, मणिपुर में। तो मणिपुर, मणिपुर के बारे में आपने चार पांच चीज़ें देखी। मणिपुर में लोकटक झील है, लोकटक झील पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहीं पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसे तैरता हुआ पार्क भी कहा जाता है। यहाँ की भूमि सॉफ्ट है, अंदर दलदली भूमि है और ऊपर जो है वो मुलायम सतह निर्मित हो गई है, जिसपे अगर आप खड़े होंगे तो बैलेंस करने के लिए आपको दाएं बाएं मूव करना पड़ता है। ठीक, इसी वजह से यहाँ पे जो एक हिरण पाया जाता है जिसका नाम है संगई हिरण, उसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे मणिपुर में झीलों के बारे में और महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। अगला है, हम और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। चिल्का झील के बारे में याद रखेंगे कि ये भारत की सबसे बड़ी झील है और यह एक लैगून लेक है। लैगून मतलब, मैंने आपसे एक स्ट्रक्चर बताया था, ये हो गया भारत का बॉर्डर, ये हो गया एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे समुद्र का पानी एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसका मार्ग जो है वो काफ़ी नैरो है। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहा जाता है लैगून झील। लैगून झीलें लगभग तटीय राज्यों की ही विशेषता है, भारत में जो समुद्र तटीय राज्य हैं उन्हीं में ही लैगून झील पाया जाता है, भूभाग के अंदर नहीं पाया जा सकता। भूभाग के अंदर एक स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसको कहा जाता है गोखुर झील। ठीक, तो चिल्का झील किस प्रकार का संरचना है, यह लैगून प्रकार की संरचना है, भारत की सबसे बड़ी झील है और यह खारे पानी की झील है। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, और भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में। अगला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक झील है, इसका नाम है लोनार झील और एक है पोवई झील। लोनार झील यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है, इसीलिए इसको ज्वालामुखी झील भी कहा जाता है और इसको क्रेटर झील भी कहा जाता है। ज्वालामुखी का जो मुहाना होता है, जो मुंह होता है, इसको क्रेटर कहा जाता है और इसी पर जो झील निर्मित हो गया है इसको कहा जाता है क्रेटर झील। ठीक, तो लोनार लेक के बारे में याद रखिएगा, इसको क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है तेलंगाना, तेलंगाना में कुछ झीलें हैं, इनका नाम है हुसैन सागर, नागार्जुन सागर और निजाम सागर। ठीक है, तेलंगाना में हुसैन सागर, नागार्जुन सागर और निजाम सागर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है और निजाम सागर मंजीरा नदी पर है, और नागार्जुन तथा निजाम सागर यह दोनों ही मानव निर्मित झील हैं, मतलब यहाँ पे जो डैम बनाए गए हैं उनकी वजह से जो पानी इकट्ठा हो गया है उनको झील नाम दिया गया है। ठीक है, तो नागार्जुन सागर और निजाम सागर वहाँ पे डैम हैं जिनकी वजह से वहाँ पे झील निर्मित हुए हैं। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर है और निजाम सागर डैम मंजीरा नदी पर है। अगला है कर्नाटक में, कर्नाटक में एक झील है बेलांदूर झील, वैसे यहाँ से प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, बस नाम याद रखेंगे, बेलांदूर झील कहाँ पे है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो झीलें हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट हुए हैं तो इनको ध्यान से देखिएगा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी के बीच में एक झील बना है, इसका नाम है कोलेरू झील। मैंने बताया था कि जो दो नदियों के बीच जो झील निर्मित होता है वो डेल्टाई क्षेत्र में निर्मित होता है और इनको डेल्टाई झील भी कहा जाता है। तो कोलेरू लेक
एक डेल्टाई झील का एग्जाम्पल है। दूसरा एक झील है, इसका नाम है पुलिकट लेक। यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, और श्रीहरिकोटा में ही एक भारत का महत्वपूर्ण लॉन्च स्टेशन है, इसको कहा जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक, श्रीहरिकोटा द्वीप में भारत का एक स्पेस सेंटर स्थित है, इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से भारत के जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से भारत के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा द्वीप में है। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है? पुलिकट लेक में। और पुलिकट लेक कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको पूछा जाए कि पुलिकट लेक कहाँ पे है, तो आप इसको आंध्र प्रदेश में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि यह दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक झील है, इसका नाम है कोडई कनाल झील। यह मानव निर्मित झील है। अगला है कालीवेली झील। अगला है स्टेनले झील। ठीक, स्टेनले झील, यह कावेरी नदी पर स्थित है, और इसमें से ज़्यादातर मानव निर्मित झील हैं। कोडई कनाल के बारे में पूछा गया है, यह मानव निर्मित झील है। यहाँ पे बस इतना पूछा गया था कि कोडई कनाल किस राज्य में स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है, और स्टेनले झील, यह भी मानव निर्मित झील है, कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु राज्य में। अगला है केरल में। केरल में एक है बेम्बनाड झील, एक है अष्टमुदी झील। ये दोनों ही लैगून लेक के एग्जाम्पल हैं। लैगून लेक का मतलब है, मैंने बताया था, कोई झील कब निर्मित हो रही है? समुद्र के पानी, समुद्र का पानी जो कि भूभाग के अंदर एंटर कर गया है, इस प्रकार जो संरचना निर्मित होती हो रही है, इसको कहा जाता है लैगून झील। ठीक, केरल में इसी लैगून को लोकली कयाल कहा जाता है। लैगून के लिए वहाँ पे कयाल शब्द यूज़ किया जाता है। बेम्बनाड और अष्टमुडी दोनों ही लैगून लेक के एग्जाम्पल है। वहाँ पे स्थानीय भाषा में लैगून को कयाल कहा जाता है। और इनमें से जो बेम्बनाड झील है, यहाँ पे इस झील में एक द्वीप है, इसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे भारत की एक महत्वपूर्ण नौकायान प्रतियोगिता की जाती है हर वर्ष। ठीक, इसके बारे में, इस नौकायान प्रतियोगिता के बारे में आप YouTube पर कोई वीडियो देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। एक बहुत बड़ी लंबी जो नौका होती है, जिसको कि लगभग 50-100 आदमी मिल करके उसको खेना शुरू करते हैं, इस प्रकार का जो प्रतियोगिता है कहाँ पर आयोजित होता है? तो बेम्बनाड झील पर, वेलिंगटन द्वीप में और केरल राज्य में। ठीक, यह जो नौकायान प्रतियोगिता है बेम्बनाड झील पर आयोजित की जाती है। ठीक, इस प्रकार भारत की जो सभी महत्वपूर्ण झीलें हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और लगभग आपके जो CGPSC या व्यापम के जो प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम्स हैं, वहाँ पे इतनी ही झीलों के बारे में आपको याद रखना पड़ता है, और यहाँ से प्रश्न लगभग बन जाते हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।